हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल, इट्स आशुतोष। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र ओपन करना है। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे INSTALL इंस्टॉल कंपोजर। जैसे ही हम इंस्टॉल कंपोजर लिखते हैं तो ये हमारा gitcomposer.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे, और यहाँ पर चलने के बाद आप देख रहे होंगे ये जो यहाँ पर आ गया है कंपोजर डैश सेटअप डॉट ई एक्स ई, इसको हम डाउनलोड करेंगे और ये हमारा डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा। और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम अपने दिस पीसी के डाउनलोड्स में चल के आपको दिखाते हैं। ये आया, यहाँ पर कंपोजर का सेटअप आ गया है। और इसको हम डबल टैप करेंगे फिर, तो जैसे ये किया हमने डबल टैप, तो वैसे ये इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर या इंस्टॉल फॉर मी जो भी ऑप्शन आ रहा है तो ये पूरा आएगा। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट 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 करते चलते जाना है और लास्ट में इसको फिनिश कर देना है। अब हमारे में ये डाउनलोड है तो मैं वापस से नहीं करूँगा, पर आपको इसकी प्रोसेस बता दिया हूँ। इसके इंस्टॉलेशन में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी रहेगा सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। जब हम लास्ट में फिनिश कर देंगे तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे में कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो हम अपना टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे COMPOSER कंपोजर। जैसे ही हम कंपोजर लिख के एंटर करेंगे, या हमें पूरा कंपोजर का जितने कमांड्स इसमें हो सकते हैं, यूज होते हैं, सारा कमांड्स और ये करके आप हमें दे देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।